हेलो गाइज, नमस्कार। मेरा नाम है सुशील और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल बाइक नॉलेज। दोस्तों, आप देख ही रहोगे कि मैं आज आपको क्या दिखाने वाला हूं। आप लोगों की सबसे चहिता गाड़ी स्प्लेंडर प्लस का नया कलर लॉन्च हो चुका है और इस दिवाली धनतेरस के मौके पे आपको ये कलर मिल जाएगा। तो अभी मैं इस समय मौजूद हूँ सिंगला एजेंसी हीरो मोटर कॉर्प के शोरूम पे। शोरूम के सारी एड्रेस और जो नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि इस कलर में ऐसा क्या है और इसमें थोड़े बहुत चेंजेस भी किए गए हैं। तो फटाफट शुरू करते हैं वीडियो को और आपको बताते हैं ऐसा इसमें क्या चीज नया है। तो दोस्तों, आप ये देख ही रहे हैं कि स्प्लेंडर का नया कलर लॉन्च हो चुका है और अगर वाइजर पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको हीरो स्प्लेंडर का एक स्टिकर देखने को मिल जाता है। हेडलाइट वही सेम आता है पहले के जैसा, हैलोजन बल्ब में आपको मिलेंगे, इंडिकेटर भी आपको बल्ब में ही मिलता है। यहाँ पे बात करेंगे तो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, 1818 का ट्यूबलेस टायर, साथ में अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। सिल्वर कलर पहले आती थी बट अभी जो है बंद कर दिया था हीरो मोटोकॉर्प ने और इसको दिवाली के धनतेरस के अवसर पे, नवरात्रि के अवसर पे इसको दोबारा लॉन्च कर दिया गया है, जो आप लोगों की बहुत ही मन पसंदीदा कलर होती थी। अब दोस्तों बात करके अगर साइड प्रोफाइल से, तो साइड प्रोफाइल दोस्त आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। इसमें आपको ग्राफिक थोड़े चेंज देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो फ्यूल टैंक है, आपको वही बढ़िया फ्यूल टैंक मिल जाता है। मस्कुलर बॉडी में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फ्यूल टैंक मिल जाता है। यहाँ पे देखेंगे ग्राफिक की बात करेंगे तो यहाँ पे हीरो का एक स्टिकर देखने को मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा ब्लैक और ब्लू कलर में कॉम्बिनेशन में इसको दिया गया है। और अगर इंजन की बात करेंगे तो इंजन का पावर बिल्कुल सेम है, पहले जैसा ही है, यानी 97.2 सीसी का आपको इसमें इंजन मिल जाता है जो कि प्रोड्यूस करता है 8.02 पीएस का पावर और 8.05 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, सिर्फ इसमें आपको कलर का चेंजेस मिलता है। और इसके बाद अगर यहाँ पे देखेंगे तो वही आपको सेम 1818 का रियर टायर मिल जाता है ट्यूबलेस के साथ में, और यहाँ पे 5 स्टेप एडजस्टेबल आपको सस्पेंशन मिल जाते हैं। अगर गाड़ी को पूरी तरीके से देखेंगे तो इसमें आपको कोई भी चेंजेस नज़र नहीं आएंगे। अगर बैक साइड की बात करेंगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो सिल्वर कलर पहले आता था उसमें जो अलॉय व्हील्स दिए होते थे वो सिल्वर कलर के अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिलते थे, बट जो आप ये गाड़ी देख रहे हैं इसमें आपको ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, अगर ब्रेक पैड की बात करेंगे तो वही सेम आपको उसी तरह ब्रेक पैड देखने को मिलते हैं और ये गाड़ी किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट दोनों तरीके से स्टार्ट की जा सकती है। अगर हैंडल बार और मीटर कंसोल की बात करेंगे तो हैंडल बार और मीटर कंसोल आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है जैसा कि स्प्लेंडर प्लस पहले आती थी, और जो स्प्लेंडर एक्सटेक है उसमें आपको डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलता है, बट ये अभी सिर्फ स्प्लेंडर प्लस नॉर्मल में लॉन्च हुई है, एक्सटेक में लॉन्च नहीं हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वही i3s की टेक्नोलॉजी मिल जाती है, पावर स्टार्ट का बटन, साइड इंडिकेटर, और इसके बाद आपको यहाँ पे हॉर्न का बटन, यही सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। मीटर कंसोल आपको पूरी तरीके से इस टाइप का देखने को मिलता है जिसमें आपको स्पीडोमीटर मिल जाते हैं, फ्यूल वार्निंग मिल जाता है, इसके बाद इंजन का लोगो मिल जाता है। तो सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए, बट ग्राफिक थोड़ा सा अलग है। और यहाँ पर आप देखेंगे पैनल पर तो स्प्लेंडर प्लस का 3D लोगो देखने को मिल जाता है और साथ में i3s की टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। तो ये नया कलर है दोस्तों, अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो करीब करीब 88,500 रुपये ऑन रोड प्राइस में दिल्ली में ये आपको मिल जाएगा। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो आप शोरूम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, शोरूम की सारी डिटेल विद फोन नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। दोस्तों, अगर इसमें किसी भी चीज़ का चेंजेस है तो वो है सिर्फ कलर का, बाकी चीज़ें आपको सेम मिलती हैं। टैंक की कैपेसिटी आपको 11 लीटर की मिल जाती है बिल्कुल पहले की तरह, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। उसके बाद इसमें आपको ग्राफिक चेंज मिलते हैं। अगर आप पुरानी स्प्लेंडर सिल्वर कलर की निकाल के देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो उसमें ग्राफिक आपको थोड़ा अलग डिज़ाइन में देखने को मिलता है, बट इसमें ग्राफिक आपको थोड़े से अलग डिज़ाइन में देखने को मिलेंगे जो कि बाइक को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। और इसमें पूरी गाड़ी रेडी है, इसमें आप देख ही रहे हैं कि इसमें सब कुछ लगा हुआ है। तो अगर आप इसे परचेज करते हैं तो थोड़े बहुत एक्सेसरीज इसमें लगती हैं जो आप अपने हिसाब से लगवा सकते हैं।
तो दोस्तों ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो कि अगर आप स्प्लेंडर प्लस परचेज करना चाहते हैं तो वो आपको सिल्वर कलर में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को यही करते हैं ख़त्म, मिलते हैं दोस्तों एक न्यू वीडियो में एक नया टॉपिक लेके, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।